नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूँ सुप्रिया पंडीर और आज हम जानेंगे ग्रीक और हिंदू समाज की पौराणिक कथाओं की आश्चर्यजनक समानताओं के बारे में। इंद्र और ज्यूस दोनों ही देवताओं के राजा हैं। इसके अलावा उनके हथियार वज्र हैं। वे दोनों एक समुद्र राक्षस को मारते हैं। यही नहीं, दोनों देवताओं का रहने का स्थान भी मिलता जुलता है। इंद्र देव माउंट मेरू पर और ज्यूस माउंट ओलंपस पर विराजमान है। अखिलीस और कर्ण, इसी प्रकार अखिलीस और कर्ण में विभिन्न समानताएं हैं। कर्ण और अखिलीस के कवच को लेकर भी काफी आकर्षक समानताएं हैं, क्योंकि दोनों के पास ही एक ऐसा कवच होता था जो कि अभेद था और दोनों ही कौशल योद्धा थे। यही नहीं, कर्ण और अखिलीस दोनों को ही डेमिगॉड बताया गया है। खास बात यह है कि दोनों की माताएं उन्हें युद्ध में जाने से रोकती हैं और दोनों ही कथाओं में उनकी मृत्यु होने के कारण युद्ध की दशा बदल जाती है और युद्ध का अंत हो जाता है। हर्मीस और नारद, ये दोनों दूत के रूप में कार्य करते हैं और ये दोनों अपनी अपनी पौराणिक कथाओं में दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के पुत्र हैं। वे कई समान विशेषताओं के लक्षण भी साझा करते हैं। हर्मीस और नारद दोनों ही चतुर और चालाक होते हैं। ये दोनों अक्सर अपनी बातों से लोगों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए जाने जाते हैं। द होली ट्रिनिटी, इन दोनों पुराणों में एक प्रकार की पवित्र त्रिमूर्ति की उपस्थिति पाई जाती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अन्य सभी देवताओं के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को तीन सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में माना जाता है। उसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस, हेडस और पोसाइडन हैं, जो कि कर्मश, स्वर्ग, अंडरवर्ल्ड और समुद्र पर शासन करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। सात बहनें और सप्तऋषि, जैसे हमारे पास सप्तऋषियों का वर्णन है, वैसे ही ग्रीक पौराणिक कथाओं में सात बहनों के बारे में लिखा गया है। हमारे महाकाव्यों के अनुसार सप्तऋषि सात चमकीले तारे हैं जो कि सूर्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन सात बहनों को पेलाइडीज के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषियों की तरह ही वे भी तारों का समूह है। एकिरस और संपत्ति, एकिरस और डेडलस की कहानी में दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की भारतीय पौराणिक कथाओं में भी समानता है। उनकी तरह ही हमारे पास जटायु और संपत्ति की कहानी है। एक दिन जब वे आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे थे, तब जटायु सूर्य के बहुत करीब चले गए। इसीलिए संपत्ति जटायु को बचाने के लिए उनके पीछे चले गए। हालांकि उन्होंने जटायु को तो बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में सूरज की गर्मी के कारण उनके अपने पंख जल गए और वे इकारस की तरह ही सीधे जमीन पर गिर पड़े। हेडीज और यम दोनों ही मृत्यु के स्वामी हैं और वे अधोलोक की अध्यक्षता करते हैं। वे अन्य विशेषताओं को भी साझा करते हैं, जैसे दोनों ही उनके दायरे में आने वाली आत्माओं के भाग्य का फैसला करते हैं और न्याय को लेकर हेडीज और यम का गहरा संबंध है। अपोलो और सूर्यदेव, भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्यदेव ज्ञान, प्रकाश और ज्योतिष के स्वामी हैं। सूर्य को तीन आंखों और चार भुजाओं वाले देव के रूप में चित्रित किया गया है। इसी तरह ग्रीक कथाओं में देवता अपोलो प्रकाश, सूर्य और भविष्यवाणी के देवता हैं। अपोलो को घोड़ों द्वारा संचालित एक सुनहरे रथ में उड़ने के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय देवता सूर्य को चित्रित किया गया है। पोसाइडन और वरुण, पोसाइडन और वरुण दोनों कर्मश ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रमुख और अत्यधिक शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। पोसाइडन जहाँ नदियों, समुद्र, भूकंप और सूखे के देवता है, वही हिंदू भगवान वरुण महासागरों, नदियों और जलीय जानवरों के देवता है। हालांकि उनके रथ में थोड़ा अंतर पाया जा सकता है, जहां वरुण को हंस या मगरमच्छ द्वारा संचालित रथ पर सवार दिखाया जाता है, वहीं पोसाइडन को घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ के साथ देखा जाता है। एक आकर्षक चीज जिसने शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया वह ये था कि पोसाइडन का रोमन नाम नेपट्यून है और नेपट्यून ग्रह को हिंदू पौराणिक कथाओं में वरुण कहा जाता है। ग्रीक और हिंदू देवताओं की इन अद्भुत समानताओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं और साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।